Radê! बस यही साधना है और यही साध्य भी है। प्रेम ही साधना है और प्रेम ही साध्य है। यही साधना करते करते साधन भक्ति से भाव भक्ति मिलती है, भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति तक जीव जा सकता है। आनंद की जो अंतिम पराकाष्ठा है, इसलिए आनंद प्राप्ति की यह साधना हमको करनी होगी। यद्यपि आप शास्त्रों में सुनते पढ़ते हैं कि गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से सब हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा और भगवान की कृपा कहाँ हो? हृदय में ना? हाँ, और हृदय तो अशुद्ध है, माइक है, माया से बना भी है और माया के बड़े बड़े सेनापति बैठे हैं आसन जमाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब बहुत बड़ी जमात है। और भगवान कहते हैं सब खाली करो, तो मैं आके बैठूं? कहां बैठूं? कहीं जगह भी है? अरे आप मेहमान को बुलाते हैं, देखो यहां हम आप लोगों को बुलाते हैं सत्संग के लिए, तो 20 करोड़ का ये हॉल और ये सब बनवाया हमने कि आप लोग एक जगह बैठे और सत्संग सुने। अब हम कुछ ना बनवाते, वो कहते आ जाओ सब लोग, तो आप लोग कहते हैं ये बाबा खपती है क्या, हमको बुला लिया ना, हमारे खाने का इंतजाम ना रहने का इंतजाम, तो बुलाया काहे को? उसी प्रकार भगवान कहते हैं अपने हृदय को शुद्ध करो, तो मैं वस्तु का दान निःशुल्क करूंगा। गुरु कहता है हम उसका दाम नहीं लेंगे, अंदाम तुम्हारे पास है भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर माइक, मन माइक, बुद्धि माइक, तुम क्या दोगे भगवान को, गुरु को? आनंद का मूल्य, आनंद तो दिव्य, और तुम्हारे पास जो सामान है वो सब माइक है, इसलिए तुम देना भी चाहो तो क्या दोगे? अगर तुम्हारी कोई चीज वो ले लेते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने अर्जुन से कहा तू जो दे देगा हम सब ले लेंगे, तू अपना सब कुछ दे दे, मैं अपना सब कुछ तुझको दे दूंगा, बदला बदली कर लो। तो हमारे पास तो सब गड़बड़ चीजें हैं, भगवान कहते हैं इसी को दे दे, हम तुझको अच्छी सब चीजें दिव्य दिव्य दे दूंगा। लेकिन हमने अनादिकाल से अब तक भगवान की बात नहीं मानी, तो हम अपनी भूल को समझें और रोकर भगवान को पुकारें। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो आनंद प्राप्त हो जाएगा जिसे हम अनादिकाल से चाहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे।